नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती, आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नगर निगम कर्मचारियों ने की हड़ताल, कार्यालय बंद कर बैठे धरने पर। बरेली नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने और अधिकारियों व कर्मचारियों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के खिलाफ गुरुवार को कर्मचारियों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, निगम के कार्यालय बंद कराकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही डीएम को ज्ञापन देकर मुकदमा रद्द कराने और बेशकीमती जमीन, अस्पताल के कब्जों को छुड़ाने की मांग की। उन्होंने शिकायती पत्र शासन को भेजा। नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को सभी कर्मचारी नगर निगम परिसर में इकट्ठे हुए। कर्मचारियों ने धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी कार्यालय भी बंद करवा दिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम अपनी जमीन पर कब्जा लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधक उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहा है। नगर निगम ने वहां जो सील लगाई है उसे अस्पताल वालों ने तोड़ दिया। कर्मचारी जयपाल पटेल समेत अन्य के साथ अभद्रता की और उन्हें बंधक बना लिया गया। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। दोबारा जब निगम की टीम कब्जा लेने पहुंची तो हंगामा किया। बाद में अधिकारियों व कर्मचारियों पर ही झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। कर्मचारियों ने रिपोर्ट को निरस्त कराने और निगम के 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करने वालों के भू माफियाओं की सूची में डालकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने उग्र हड़ताल करने की चेतावनी दी। उन्होंने मुख्य सचिव, मंडला आयुक्त, SSP व नगर आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा। इस दौरान मिशन पाल, अमित कुमार दुबे, महक सिंह, आनंद अग्रवाल, सलमान बेग आदि मौजूद रहे। संविदा कर्मचारियों ने बिजली विभाग पर किया प्रदर्शन। बरेली में लगभग 900 संविदा बिजली कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को सभी कर्मचारी सर्किट हाउस के सामने बने चीफ इंजीनियर कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, जिला अध्यक्ष ने बताया। सर, मैं निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष रिंकू श्रीवास्तव हूँ और हम संविदा कर्मचारी हैं बिजली विभाग के। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्थिति में शोषण हो रहा है, जबकि हम लोग हर अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं मांगों के लिए अपनी, कम से कम एक महीने से पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांगे हैं? हमारी कई मांगे हैं, कम से कम 13 मांगे हैं, जो कि हम लोगों के साथ सुरक्षा उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं हो पा रही है, तनख्वाह का जो डिस्टेंस है 100-200 रुपए मारे जा रहे हैं वो भी पता नहीं चल पा रहा है, कौन खा रहा है, किसको दिए जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। कितने कर्मचारी हैं संविदा के पूरे जिले में? करीब हमारे 850-900 कर्मचारी हैं, उनके सबके करीब हर महीने के अगर 100 रुपए मारे जा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो कई लाख रुपए का हिसाब किताब बनता है। और ईपीएफ में घोटाला हो रहा है, SI लोगों को मिल नहीं पा रहा, किसी का एक्सीडेंट होता है उसी समय SI बनता है, कंपनी वाले कुछ भी कर नहीं रहे, अधिकारी इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने अधिकारियों से कहा, फिर भी वो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि हम लोगों के प्रति कोई भावना उनकी अच्छी हो। आपको फिर इसीलिए धरना करना पड़ा? इसीलिए हम लोगों को धरना करना पड़ा, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमें अपनी मांगों को लेके यही विरोध सही लेकर आया। अब आप लोगों की क्या मंशा है, क्या मतलब आगे की कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आगे अगर इसी तरीके का रहा तो हम लोग इसी तरीके से बैठेंगे और इनसे ये मांगे अपनी मनवा के रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। तो आज भी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार? आज भी कार्य बहिष्कार है सर, हड़ताल में सभी लोग आए हुए हैं, ग्रामीण के भी कई सदस्य आए हुए हैं। एवरग्रीन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मनाया होली महोत्सव। पिछले काफी सालों से एवरग्रीन सोसाइटी समाज के हित में कार्य करती आ रही है। सोसाइटी की अध्यक्षता अंजना सिंह ने अपनी टीम के साथ गुरुवार को होली महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसमें संस्था के मेंबर्स ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में होली क्वीन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सालू गुप्ता रही। वहीं गेम प्रतियोगिता में मंजू श्रीवास्तव ने बाजी मारी। इस मौके पर संस्था की अध्यक्षता में सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा। वहीं विजेताओं ने बताया, मैं चाहूंगी कि इस होली में जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं, जिसको भी किसी से कोई शिकायत है, वो सब भूल कर आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को खोलें। हैप्पी होली। होली के इस मौके पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे एवरग्रीन ग्रुप की तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।
कहना चाहोगे होली को लेकर? होली हाँ, इस समय कोरोना काल में होली है तो सब लोग सेफ रहें, और अगर हम लोग मास्क का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे कि जो कलर है वो आपकी नाक में जाने से भी बच जाएगा और कोरोना से भी काफ़ी हद तक हम लोग बच सकेंगे। इसलिए बरेली की पब्लिक से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सिंथेटिक कलर है उनका बिल्कुल यूज़ ना करें, जहाँ तक हो सके गुलाल का यूज़ करें, क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जिससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हर्बल, जहाँ तक हो सके हर्बल कलर यूज़ करें, और नहीं हर्बल अगर मिल पाते हैं तो गुलाल यूज़ कर लें, लेकिन जो गीले वाले कलर हैं वो बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं कहना चाहूँगी कि जो होली आ रही है, और होली आए और कोरोना जाए। जी मैम बताइए, होली को लेकर कुछ संदेश बरेली वासियों को? बरेली वासियों को बस फूलों की होली खेलनी चाहिए, थोड़ी बहुत गुलाल खेलें, बाकी शांतिपूर्वक अपना भाईचारा बनाए रखें। हमारा होली क्वीन चुनी जाएगी, होली खेली है हम लोगों ने अभी, और हाउजी गेम और मस्ती डांस ये सब कुछ करेंगे। उसके बाद में हम लोग मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस होली पे रंगों से होली ना खेलें, गुलाल से होली खेलें, और सावधानी का कोरोना काल में सावधानी बरतें। क्या कहना चाहोगे आप होली को लेकर इस बार? मैं सर होली में ये कहना चाहूँगी कि होली का त्यौहार बहुत सावधानी पूर्वक खेला जाए इस बार, क्योंकि कोरोना काल में बहुत केस आ रहे हैं बरेली में, तो हम यही चाहेंगे कि सावधानी से सावधानी बरतें, और कृपा करके पानी के रंगों का यूज़ ना करें, सिर्फ गुलाल और ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की होली खेलना पसंद करें। धन्यवाद। आज बरेली कॉलेज बरेली के राष्ट्र सेवा योजना की छात्र इकाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथे एक दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वयं सेवकों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही कॉलेज परिसर में विभिन्न स्थानों वनस्पति विज्ञान विभाग, वाणिज्य संकाय, अम्बेडकर पार्क, रक्षा अध्ययन विभाग आदि के समक्ष वृक्षारोपण भी किया गया, तथा स्वयं सेवकों के द्वारा वृक्षों के संरक्षण हेतु शपथ भी ली गई। इस शिविर में तीनों कार्यक्रम अधिकारी के साथ उनके स्वयं सेवक उपस्थित रहे। शिविर को विशेष व्याख्यान के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में निरंतर वृद्धि के कारण पर्यावरण हमारे लिए चिंता का कारण बन चुका है, तथा पर्यावरण विकृति केवल मानव के लिए ही नहीं अपितु अन्य सभी प्राणियों के लिए भी बहुत ही घातक है। बरेली पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक आजाद, समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बरेली प्रथम बार आगमन पर काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। चुनाव को लेकर शिरकत करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद बरेली दिव्यानी लॉन, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारी स्वागत किया गया। इसके साथ ही तीखे बोल में योगी सरकार पर निशाना साधा। ये हमारा नया काम और सरकार को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो आजाद समाज पार्टी के नौजवान वर्करों से, उन ईमानदार कार्यकर्ताओं से जो लोग काम कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े रहते हैं, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो। तो जैसे मेरठ में भी पिछली बार साजिश करके जो है परमिशन कैंसिल पत्रकार वार्ता की भी करवा दी थी, तो यहाँ करवा दी कोई बड़ी बात नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ता इनके चाल चलन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वह आने वाले कल में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से जो है रिजल्ट दे के सरकार को बताएंगे कि सरकारें बदलती रहेंगी। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए रणनीति के लिए ही मैं यहाँ आया था कि कार्यकर्ताओं को तैयार करता, अब रात में ये परमिशन कैंसिल कर दी गई। अगर सरकार को परमिशन कैंसिल करनी थी तो चार दिन पहले कर देते, तो हम अपनी प्रेस वार्ता करके लोगों से बात कर लेते और गांव में जाके कार्यकर्ताओं से मिल लेते। तो ये रणनीति का हिस्सा था कि हम यहाँ आके अपने कार्यकर्ता तैयार करते। आज हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, वो गाँव गाँव जाके पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे, और जिला पंचायत चुनाव में ईमानदार कार्यकर्ताओं जो लोग जमीन पर रहकर काम करते हैं और कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं गरीबों के लिए और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं संविधान में, ऐसे कार्यकर्ता हम लोग टिकट देंगे और वो उम्मीद है कि उनको जनता समर्थन देगी, तो वो जीत के आएंगे और यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के चुनाव मानव अधिकार का मुद्दा आपने उठाया है, क्या है? प्रधानी का चुनाव जो है उम्मीदवारों, जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव तो सबको अधिकार है, उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में हम लोग मौका देंगे अपनी पार्टी के बैनर से नौजवान कार्यकर्ता नेताओं को लड़ने। 2022 के चुनाव में क्या अकेले लड़ेंगे सर जगह या किसी से गठबंधन नहीं करते? 2000 बहुत दूर, 2022 अभी 2021 में, और 2021 में पंचायत चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में नहीं घुस पा रहे और उनका आप समझिए उनके मंत्रियों का, उनके प्रदेश का, सबका विरोध हो रहा है, तो जनता उनके तो खिलाफ ही। मुझे तो ऐसी भी उम्मीद हो रही है कि सरकार ये चुनाव की जो है पंचायत चुनाव नहीं होने देगी, ये पिछली बार की तरह कोरोना की बात करके, क्योंकि कोरोना सरकारी एजेंसी जो है जो अब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वो बंगाल जा रहा है कोरोना,
ना असम जा रहा है, वहाँ रोड शो खूब हो रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लग सकता है, जिससे कि पंचायत चुनाव में ये पंचायत चुनाव को डिले कर सकते हैं, ऐसे मुझे उम्मीद हो रही है। लेकिन अगर ये चुनाव कराते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर ईमानदार से काम करके पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट देंगे और उसमें 2022 की किस तस्वीर जो साफ होती है, योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए, आप किस तरीके से देखते हैं प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में? देखिए, योगी सरकार ने जो 4 साल में किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, संविदा कर्मी सड़कों पर हैं, बैंक कर्मी सड़कों पर हैं, बीमा कर्मी सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, और हत्या, बलात्कार, लूटपाट, जुल्म, जाति, गरीबों की जमीन छीनना, वो सारे काम जो हैं सरकार में बैठे लोग जो हैं संरक्षण देके करवा रहे हैं। जो अधिकारी कर्मचारी, कल ही एक दरोगा जी को गोली लगी उत्तर प्रदेश में, तो खाकी का इकबाल भी खत्म हो गया है, खाकी भी दहशत में है। ये इसलिए हुआ है कि अपराधियों को संरक्षण देने से कभी अपराध कम नहीं होता, अपराध बढ़ता है। तो आज जनता त्रस्त है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है, और इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी 2022 में एक जिम्मेदार सरकार जिसमें संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा, वो देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को करेगी। भविष्य में आपकी सरकार आती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे आप? देखिए, मैंने 22 प्रतिज्ञाएं की हैं 2022 के लिए, वो 22 प्रतिज्ञाओं में हमने अपनी पूरी बात रखी है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। बस मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान 8 चीज़ों की तो गारंटी देता है, वो तो लागू होनी चाहिए। वो इन सरकारों ने इसलिए नहीं की है क्योंकि गरीब का अगर पेट भर जाएगा तो वो सवाल करेगा, तो वो उसका पेट ना भरे इसलिए वो सवाल ना करे, इसलिए जो है सरकार वो नहीं देती और उनको वो प्रलोभन बता के लोगों को काम करती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, जो न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कहाँ दे रही है सरकार तो हाथरस की तरह न्याय को बाधित करने का काम करती है, और जो अधिकारी कर्मचारी न्याय को रोकने का काम करते हैं उनको सम्मानित करती है। तो ये 8 चीज़ों गारंटी आज़ाद समाज पार्टी सरकार देगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण, कि किसी को अन्न ना मिले या सर पर छत ना मिले या पढ़ाई में उसकी दिक्कत हो, ऐसी कोई समस्या जो है जो मैंने बताई 8 चीज़ों पर नहीं होंगी। और किसानों को MSP की गारंटी और उनका बिजली का बिल माफ, और गरीबों के लिए भी जैसे 7.5 रुपये ये बिजली सरकार दे रही है तो सस्ती बिजली, ये सारे प्रावधान जो हैं। और जिस तरह से अभी मैंने बताया कि गैस के दाम बढ़ा दिए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स सरकार लेती है, जो ड्यूटी यहाँ से जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसको कम करके पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे और गैस के दाम भी कम करेंगे, क्योंकि ये सरकार तो खोखली सरकार है, झूठे वादों पे जी रही है, लेकिन हम जनता को दुखी नहीं देख सकते, तो उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर काम करने का। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मानव अधिकार का मुद्दा उठाया क्या? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ सरकार तानाशाही कर रही है और जनता की बात नहीं सुन रही है। जो अपनी बात को लेकर सड़क पे आता है, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है विधोक विरोध का, उसकी आवाज़ कुचल दी जाती है, उस पर झूठे मुकदमे लगा के उसे जेल डाल दिया जाता है। मगर भीम आर्मी के जो लोग हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो मुकदमों से नहीं डरते हैं, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने 23 मार्च अभी गया है अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम देश की सुरक्षा करेंगे, अपने प्रदेश की सुरक्षा करेंगे, लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे, संविधान सुरक्षा करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा 3 बार हमने वहाँ पे कोशिश की लेकिन 2 बार फेल करा दी गई, वो किसने कराई क्या? ये केंद्र सरकार जो है, भारत भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का एक सदस्य है, 2 बार इन्होंने वहाँ रुकवाने का काम किया लेकिन अंतिम बार जो है वहाँ नहीं रुक पाए, इसलिए मेरी बात वहाँ हुई। लेकिन भारत में उसकी अभी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उसकी चर्चा हो, क्योंकि इन्होंने तो ये देश में राजशाही लागू करना चाहते हैं और हम देश में संविधान का राज चाहते हैं। धन्यवाद। किसान आंदोलन इतने लंबे टाइम से चल रहा है, किसान पीछे हटने को तैयार है ना सरकार पीछे हटने? देखिए, सरकार तो किसानों के हक को लूटना चाहते हैं, किसान अपना हक चाहते हैं, तो हक के लिए जो आंदोलन चल रहा है, 26 तारीख को उनका बंद है, हमारा पूर्ण समर्थन है, तो वो आंदोलन न्याय के लिए है, अच्छाई के लिए है, क्योंकि सरकार तो अपना भरोसा पहले खो चुकी है। जो सरकार ने आज तक वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, महंगाई से निजात दिलाने के, सरकार ने वादे किए थे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के, सरकार ने वादे किए थे 15 लाख देने के, सरकार ने वादे किए सबके साथ सबके विकास के, तो वो तो उन पर तो सरकार फेल है। तो जब सरकार फेल है तो सरकार पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और हमारी मांग ये है किसानों की मांगे जो है वो माननी चाहिए, वो तीनों किसान विरोधी कानून वापस होने चाहिए और MSP गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि ये सरकार तो नहीं देगी, जो पूंजीपतियों के पैसे पर चल रही सरकार ये नहीं देगी। ये तो पूंजीपतियों से चुनाव के समय पैसे लेते हैं, 100-100 हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और चुनाव के बाद सरकारी जनसेवकों को बेचने का काम करते हैं। सरकार कर क्या रही है कि दलितों के आंदोलन से डर के 2 अप्रैल के जो 2018 में हुआ था, ये निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है,
जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा।